स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी बच्चों को और सभी स्टाफ सदस्यों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज हमारे आजादी के दिवस का उत्सव मनाने के लिए इंद्र देवता भी हम पर मेहरबान है, और आपने देखा कि रात भर से आज के इस स्पेशल दिवस को मनाने के लिए लगातार बारिश होती रही और मौसम बहुत खुशगवार बना रहा। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां मंच पर प्रस्तुत की, जिसको हम सभी सराहते हैं। आप सभी ने इन बच्चों की प्रस्तुतियों का बहुत आनंद लिया, हम सब ने लिया। आशा करते हैं भविष्य में भी हमारे बच्चे इन मौकों पर इस प्रकार की प्रस्तुतियां पेश करते रहेंगे। बच्चों, हमारी आजादी की लड़ाई बहुत लंबी है। आपको पता होगा कि यूरोपियंस ने जब भारत पर कब्जा करना शुरू किया, खास करके जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद भारत पर अंग्रेजों का कब्जा बढ़ता चला गया और 200 साल हमको लग गए उनके चंगुल से निकलने में। 1857 में हमने पहली बार प्रयास किया देश को आजाद कराने का। हमारे देश के सभी लोग बिना किसी जाति मजहब, बिना किसी क्षेत्र के भेदभाव के, सब मिलकर के उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत की और उसको अंजाम मिला 1947 में। तो बेटा, ये जो हमको आजादी मिली है, कितने लंबे इंतजार के बाद और कितनी सारी शहादतों के बाद ये दिन हमको देखने को मिला। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां हम सभी आजाद हैं। आप कल्पना करिए उनके जीवन का, उन लोगों के बारे में जो जिस देश में जन्म लिए थे, उस समय हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल में था। हम अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते थे, हम लोग गुलाम थे, भारत को गुलाम कहा जाता था। और देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने जो अपनी शहादत दी और हमको आज़ादी दिलाई, उसकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। 78 साल हो गए भारत को आज़ाद होके, और हर फील्ड में, हर विधा में हमने धीरे धीरे तरक्की करना शुरू किया। कृषि के मामले में हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हमें अनाज के आयात के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं ताकना पड़ता। विज्ञान के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खेल के मैदान में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम आगे नहीं बढ़ गए? हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, और ये आगे बढ़ने का जो हमको जज्बा मिला है, वो हमको जज्बा तभी मिल पाया है जब हम एक स्वतंत्र देश में हैं और हमारे ऊपर ये सिरदर्दी हमारे मन में नहीं है कि हमको पहले आजाद होना है तब अपने देश को विकसित करना है। तो हमें हमारे शहीदों की कुर्बानियों को याद रखना पड़ेगा, उनको अपने मन में संजो के रखना पड़ेगा, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हमें जानना पड़ेगा, उन्होंने क्या बलिदान किए, क्या संघर्ष किए, उनके बारे में हम सभी जाने। बच्चों, जब हमारा देश गुलाम था और हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे लोग, हमारे पूर्वज, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो देश को आज़ाद कराएं, उन्होंने पूरे जज्बे के साथ वो लड़ाई लड़ी और हमें आज़ाद कराया। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मान लीजिए कि हम आपके टीचर्स हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाने की है। आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने की है और अपने टीचर्स के दिशा निर्देशों को फॉलो करने की है। ऐसे हर व्यक्ति को अपना अपना फर्ज मिला हुआ है, उस फर्ज की अदायगी करना ही सही मायनों में जो हमारे शहीदों ने हमको आज़ादी दिलवाई है, उसको बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। उसको तभी बना के रख सकते हैं जब हम अपने फर्ज पर चलते रहें। तो ध्यान रखें, हमेशा अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को अपने सामने रखें और उसके अनुसार चलें। आप देखिए बेटा कि अभी बहुत सारी खबरें, नेगेटिव खबरें भी अखबारों में आती हैं, लूटपाट की भी आती हैं, बहुत सारी गुंडागर्दी की, एक दूसरे की हत्या करने की, लड़ाई झगड़े की,
विवादों की, आतंकवाद की, मजहब के नाम पे एक दूसरे लोगों को लड़ाने की, जातिवाद की, क्षेत्र के आधार पर लोगों को लड़ाने की, ये बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती हैं जो वास्तव में हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमने इसी दिन को देखने के लिए आज़ादी को हासिल किया था, क्या हमारे पूर्वजों का सपना ये था, लेकिन शायद हम उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इस आज़ादी के मंत्र को, इस आज़ादी के जो इसकी फीलिंग है, इसकी स्पिरिट को हमेशा बना के चलें, और उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो हम सबको एक करता है उसको मानना पड़ेगा। जो हमारा तिरंगा है, जो हमको हमारे मन में अपने आप हमारे रोंगटे खड़े कर देता है जब उसको हम देखते हैं फहराता हुआ, तो वो फीलिंग को, वो स्पिरिट को हमेशा रखना पड़ेगा। तो ये जो आपस की दुश्मनी है, लड़ाई दंगे, ये सब निकल जाएंगे। आप देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे देश में कि हम क्षेत्रवाद की फीलिंग रखते हैं। अगर हम क्षेत्रवाद की फीलिंग रखते हैं तो वास्तव में हम बहुत गिरे हुए इंसान हैं। अगर हमारे मन में ये आता है कि मैं इस क्षेत्र का हूँ और फलाना व्यक्ति उस क्षेत्र का, अरे भाई, हमारा भारतीय है, चाहे वो किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, हर प्रांत की, हर क्षेत्र की अपनी भाषा, अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज होते हैं। उन सब का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, और दूसरे के रीति रिवाजों से और परंपराओं को सीखना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस चीज को लेकर के चले। हमारे समाज में से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के लोगों को बांटने का काम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके मंसूबों को नाकाम करना है। हम सभी भारतीय हैं, और भारतीय होने के अलावा हम सब इंसान भी हैं, और भारतीय संस्कृति की तो बात ही हमेशा ये रही है, हम केवल अपने देश के बारे में ही नहीं सोचते, हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, हम जीव मात्र के बारे में सोचते हैं, हम इंसानों के बारे में सोचते हैं। तो इस जज्बे को हमेशा अपने मन में बनाए रखें, तभी सही मानों में जो हमारी आज़ादी है उसका एक मुकम्मल अर्थ निकलेगा। बच्चों, जो हमारे संसाधन हैं इनको बहुत संजोना है, बहुत इनकी हिफाजत करनी है, ये जिम्मेदारी हमारे पर बहुत बड़ी बनती है। चाहे हमारे जो भी रिसोर्सेज हों, दुनिया के वही देश विकसित हो पाए हैं जिन्होंने अपने संसाधनों को पूरा सम्मान दिया है और उनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी ताकत लगा दी है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता है, कई बार हम लोग अनजाने में, तो नहीं कहना चाहिए, शायद जानबूझ के ही बहुत सारी चीज़ों का वेस्टेज करते हैं, बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। हमको लगता है ये हमारे घर की नहीं है, हमारे अपने घर की नहीं है, तो उसको हम वेस्टेज करने लग जाते हैं। क्या भारत हमारा घर नहीं है? क्या ये दुनिया हमारा घर नहीं है? अभी आप देखिए, बारिश नहीं होती है तो त्रहिमाम है, नहीं बारिश नहीं हो रही सब तबाही मच जा रही, बारिश हो रही है तो परेशानी है। तो बात यह है कि हमने अपने प्रॉपर मैनेजमेंट चीज़ों का नहीं किया हुआ है। जो चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए वो किस रूप में हो, उनको संजोना कैसे है, उनको मैनेज करना कैसे है, ये शायद हम सीख नहीं पाए हैं। तो उसके लिए मेरा युवाओं से अपील है, आप बच्चे हो बेटा, भविष्य के नागरिक हैं आप, आपसे ही देश चलेगा, आपसे ही देश बढ़ेगा, आप ही इंसानियत को आगे ले जाएंगे, आप ही भारतीयता को आगे ले जाएंगे। तो आपसे अपील करता हूँ कि आप एक देश के ऐसे नागरिक बने जो दूसरों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। लास्ट में बेटा, मैं आपके साथ एक गीत है छोटा सा, ये वो गीत है जो कि जब मैं पढ़ा करता था अपने स्कूल में, तो जब हमारी असेंबली ख़त्म हो जाती थी, असेंबली ख़त्म होने के बाद जब हम अपनी अपनी क्लासेस को जाते थे तो ड्रम बीट के साथ और म्यूज़िक के साथ उस गीत को बजाया जाता था, और सब बच्चे हम लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाते थे और उस गीत को गाते थे। वो गीत